हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सब ने देख लिया है वीडियो में, आज हम कंपेयर करने वाले हैं हॉपकॉस वर्सेस फर्स्ट क्राई। तो दोस्तों, आज ये पूरा वीडियो आपका एक हॉल वीडियो होने वाला है, क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं। तो मैंने अपनी बच्ची के लिए पूरा विंटर कलेक्शन मंगवाया था, और चूँकि पर्सनली मुझे हॉपकॉस की जो ऐप है और उसमें जो कपड़े होते हैं वो मुझे इतने पसंद हैं, क्योंकि आपकी चाहे वो विंटर वियर हो चाहे समर हो, बहुत ही स्टाइलिश कपड़े मिलते हैं। और इसके अलावा फर्स्ट क्राई में भी बहुत ही बढ़िया कपड़े मिलते हैं, तो दोनों को देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपका एक सब्सक्राइब एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला पार्सल हमने ओपन कर लिया है। इसमें दोस्तों मैंने अपनी बच्ची के लिए प्री विंटर टी शर्ट मंगवाई थी, क्योंकि जो स्टार्टिंग की जो ठंड होती है उसके लिए वो टी शर्ट है। तो पार्सल ओपन करने पे हमें ये एक पार्सल एक अंदर और मिला। तो हॉपकॉस इस समय कुछ ब्रांड को बहुत ही प्रमोट कर रहा है, लाइक जिसे इसमें इससे पहले जो मैंने मंगवाए थे उसमें सेरेलैक था, और अभी ये इस वाले में देखिए मुझे मिला है नैनक्रो का मिल्क पाउडर। तो खैर, इसको एसाइड करते हुए ये मैंने टी शर्ट मंगाई है। सबके प्राइस आपको स्क्रीन में शो हो रहे होंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ही अफोर्डेबल है, बहुत ही कंफर्ट है। प्राइस जैसा आपने देख लिया है, बहुत ही डिसेंट प्राइस में एक बहुत ही प्रिटी सी हमें प्री विंटर टी शर्ट मिल जाती है आपको, क्योंकि शुरुआत के टाइम पर आप बहुत ही हैवी आप कपड़े नहीं पहनाते अपने बच्चों को, और तो उस पर्पज़ से बहुत ही बढ़िया है। नेक्स्ट पार्सल दोस्तों मैंने फर्स्ट क्राई का ओपन किया है। इसमें मैंने अपनी बच्ची के लिए शूज़ कम सॉक्स लिए थे, क्योंकि छोटे बच्चे सॉक्स नहीं पहनते हैं और निकाल देते हैं, लेकिन ठंड होती है और फर्श में बिना सॉक्स के चलना उनको, क्योंकि बच्चों को सबसे जल्दी ठंड पैरों से और कानों से ही लगती है। तो इसलिए मैंने ये सॉक्स प्लस शूज़ मंगवाए थे, जो कहते बच्चे बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के आए हैं। प्राइस एज यूजुअल आपको शो हो रहे होंगे, थोड़े से एक्सपेंसिव थे नो डाउट, पर बहुत ही अच्छे थे। एक्सपेंसिव तो नहीं कहूँगी मैं, इस प्राइस में आपको बहुत ही बढ़िया दोस्तों शूज़ प्लस आपको सॉक्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट अगेन हमने फर्स्ट क्राई का ही पार्सल ओपन किया। इसमें मैंने अपनी बच्ची के लिए प्री विंटर एक टी शर्ट वो मंगवाया था, पूरा सेट था, और ये पिंक वाला, ये प्री विंटर है, मतलब हैवी विंटर में आप पहना सकते हैं अंदर, और लेकिन ऊपर से आपको जैकेट वगैरह पहनानी पड़ेगी, पर प्री विंटर के पर्पज़ से ये बहुत ही बढ़िया था। एज आप देख सकते हो, ये जितना आपको वीडियो में दिख रहा है ना खूबसूरत, उतना ही अच्छा इसका फैब्रिक था, उतना ही खूबसूरत ये सामने से भी है, और जैसा है ये दिख रहा है उतना ही सुंदर आया है। दोस्तों, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। इसके साथ में ही जो हमें एक दूसरा पार्सल रिसीव हुआ था वो हैवी विंटर में आपका पूरा सेट है, और ये जैकेट है, मतलब आप इसको ट्रैक पैंट और प्लस जैकेट बोल सकते हो, लेकिन बहुत ही खूबसूरत था जो आप देखिए। और इसमें आप हैवी विंटर में भी पहना सकते अपने बच्चे को। देखिए, मेरी बेटी सेंटर टेबल के बीच में बैठी है, इनको सारे कपड़े देखने, अभी देखिए इन्होंने लगाया, पहनना एक भी नहीं है, बस मस्ती करनी है। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हो, ये भी बहुत ही खूबसूरत आया है और बहुत ही अच्छा था। ये रेड कलर का है, और जो पहले मैंने मंगवाया था विच इज़ पिंक कलर, तो एक तो मुझे पिंक और रेड में पता नहीं क्या ऑब्सेशन है, मैं अपनी बच्ची के लिए पिंक और रेड, आप अगर मैं इनका वार्डरोब दिखाऊँ ना तो इन कलर से तो भरा पड़ा है। पिंक तो बहुत सारे मिल जाएंगे, इसमें भी मैंने दो तीन कलर पिंक ही मंगवा लिए हैं, तो मेरे हस्बैंड बोल भी रहे थे कि इतने पिंक क्यों मंगवा लिया, लेकिन पता नहीं मैं क्यों इतनी ऑब्सेस्ड हूँ। नेक्स्ट पार्सल दोस्तों हमने हॉपकॉस से ओपन किया है। तो ये जो पहला पार्सल ये है, इसमें आपको अगेन ट्रैक पैंट और ये मिल जाता है आपको टी शर्ट, लेकिन दोस्तों जैसा कि इसके डिस्क्रिप्शन में था, मतलब हॉपकॉस में यूजली डिस्क्रिप्शन इतना ब्रॉड नहीं होता है, तो ये इससे मैं थोड़ा सा इसलिए डिसअपॉइंट हुई, ये देखने में बहुत ही खूबसूरत थी नो डाउट, बहुत ही प्यारा इसका जो टॉप था, और प्लस इसकी जो पैंट है वो भी बहुत ही खूबसूरत है। डिसअपॉइंट मैं इसलिए हूँ दोस्तों कि ये आप प्री विंटर में भी नहीं पहना सकते,
सकते हैं आप जो नॉर्मल जो स्प्रिंग सीजन आता है, मैं स्प्रिंग या ऑटम जो होता है, मतलब बेसिकली जो कहते हैं गर्मी के बाद जो बरसात का सीज़न आता है और जो ठंड के बीच का सीज़न होता है, आप उसमें ही पहना सकते हो। तो ये मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, लेकिन जो इसके साथ में ये जो मैंने स्वेटर का प्लस स्कर्ट का कॉम्बो मंगवाया था, ओ माय गॉड, दिस इज़ मतलब सब इतना बढ़िया था, इतनी अच्छी क्वालिटी का है ये दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊँ। चाहे मैं फैब्रिक की बात करूँ, चाहे वो कलर की बात करूँ, अगेन दिस इज़ अ रेड कलर एंड बहुत ही खूबसूरत है और इतना अच्छी क्वालिटी में आया था ना। प्राइस हाँ ये है, थोड़ा सा आपको हॉपकॉच के जो जितने भी आपको आउटफिट मिलते हैं थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट क्राई, लेकिन फर्स्ट क्राई में भी अगर आप अच्छे ब्रांड के लेते हो तो उसमें भी आपको एक्सपेंसिव ही मिलेंगे। तो भाई अच्छी चीज़ चाहिए तो थोड़ा पैसा तो लगता ही है। तो दोस्तों अगेन हमने जो पार्सल खोला है विच इज़ फ्रॉम हॉपकॉच, तो इसमें मैंने अपनी बच्ची के लिए प्री विंटर टी शर्ट ही मंगवाई है। होता क्या है ना, ज़्यादा हैवी कपड़े से बच्चियों को अनईजी फील होने लगता है और मेरी बेटी का तो ऐसा है कि वो रोना शुरू कर देती है, तो मैं उसको अंदर एक टी शर्ट ज़रूर पहना के रखती हूँ ताकि उसको कम्फर्ट बना रहे, इसलिए मैं टी शर्ट ज़रूर लेती हूँ। तो ये टी शर्ट आई थी, प्राइस आप देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा डिसेंट प्राइस में एक बहुत ही अच्छी टी शर्ट मिल गई मुझे और बहुत ही बढ़िया है। प्री विंटर में तो आप बहुत पहना सकते हो और हैवी विंटर में आप इसको अंदर पहना सकते हो, तो बच्चों के लिए कंफर्ट बना रहता है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी। अगर मैं दूसरे मतलब आप ऑफलाइन भी मैं साइट की बात करूँ, लाइक वी मार्ट की बात करूँ या किसी भी आप जगह में अगर आप जाओगे ना, तो भी इतनी अच्छी टी शर्ट इस प्राइस में नहीं मिलती। मैंने वहाँ से भी खरीदी हुई है लेकिन ये मतलब क्वालिटी तो नहीं मिलती है इस प्राइस में, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो दोस्तों नेक्स्ट पार्सल हम ओपन करेंगे विच इज़ फ्रॉम हॉपकॉच, फर्स्ट क्राई का ही ओपन करते हैं, हॉपकॉच के तो दो ओपन हो गए हैं, तो चलिए फर्स्ट क्राई का देखते हैं इसमें क्या आया हुआ है। तो दोस्तों आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं आप जहाँ से भी, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कौन सी वेबसाइट प्रेफर करते हैं शॉपिंग के लिए, और चलिए इसमें देखते हैं इसमें क्या है। तो दोस्तों इसमें मैंने एक अगेन प्री विंटर पूरा सेट है और एक मंगवाया है मैंने थर्मल वेयर। आप चूँकि जब ठंड बढ़ जाएगी तो बच्चों को थर्मल वेयर ज़रूर आप इनर वेयर में पहनाइए उनको, तक क्योंकि थर्मल वेयर आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है विंटर में। तो ये बहुत ही अच्छा है, फर्स्ट क्राई से तो मुझे डाउट है ही नहीं कपड़ों के मामले में, और प्राइस आप देख सकते हैं इस प्राइस में तो बहुत ही अच्छी और मुझे क्वालिटी में मिल गया। एंड ये सेकंड जो पार्सल है ये प्री विंटर के हिसाब से बहुत अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा पतला लगा मुझे, तो इसलिए ये आप, लेकिन स्टाइलिश बहुत है। बस ये है कि आप इसको जो मैंने बताया ना कि बरसात के और दिवाली से पहले के जो महीने होते हैं मतलब अक्टूबर वगैरह में, उसमें तो आप ये पहना सकते हो। नवंबर से थोड़ा बच्चों के लिए ये थोड़ी सी ठंड इसमें उनको लगेगी, क्योंकि बच्चों को ठंड बहुत जल्दी लगती है, तो इसलिए मैं इसको नहीं रखूँगी। मतलब एज अ क्वालिटी वाइज मैं बात करूँ, कलर की बात करूँ या फिर प्राइस की, तो ये बहुत ही अच्छा था, लेकिन इस सीज़न के हिसाब से ये गलत है। तो शायद मुझे डिस्क्रिप्शन नहीं समझ में आया होगा या जो भी था, तो ये मुझे, ये देखिए एक पार्सल कहाँ मेरी बेटी फेंक के गई है, माय गॉड। तो चलिए नेक्स्ट पार्सल ओपन करते हैं विच इज़ फ्रॉम हॉपकॉच। अब दो पार्सल हॉपकॉच के ही हैं, फर्स्ट क्राई के हमने सारे ओपन कर लिए। तो भाई ये है हॉपकॉच के, अब ये दोनों पार्सल में आपको बहुत ही मतलब मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये देखिए ये बहुत ही हैवी विंटर के लिए मैंने मंगवाया है। पूरा सेट है ये आपका, टॉप है इसमें पूरा, आपका जैकेट है और प्लस पैंट है। थोड़ा सा मेरी बच्ची के लिए बड़ा साइज़ है, लेकिन मैंने जानबूझ के मंगवाया बड़ा साइज़, क्योंकि मेरी जो छोटा हो जाता है तो फिर आप अगर हैवी विंटर में कुछ भी उसको अंदर नहीं पहना पाओगे, फिर घुसता नहीं है। तो ये उसके साथ दस्ताने मिले हुए हैं, तो भाई ये मुझे बहुत बहुत पसंद आया। प्राइस आप देख रहे हो हाँ थोड़ा सा महंगा है, पर ये मुझे बहुत पसंद आया और ये है भी बहुत ही अच्छा है दोस्तों। तो नेक्स्ट पार्सल ओपन करते हैं, देखो मेरे हस्बैंड इसी में खुश हो गए, बार बार देख रहे हैं। खैर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, कलर आप देख रहे हो अगेन ये पिंक है। आप समझ सकते हो कि मैं कितनी ऑब्सेस्ड हूँ पिंक कलर को लेके, और ये जो पार्सल खुलने वाला है दोस्तों इसमें भी पिंक कलर है, मतलब मैं बता ही नहीं सकती हूँ कि मैं पिंक को
लेकिन पिंक नहीं बोलेंगे इसको, ये तो कहते हैं आपका ये सॉफ्ट पिंक है, और ये सॉफ्ट पिंक नहीं था, तो ये जैकेट है। आपने ये देखा होगा हॉपकॉच में बहुत ही इसका ऐड होता है, और ये बहुत ही प्रिटी जैकेट है। माय गॉड, ये इतनी प्यारी जैकेट है, इतना सॉफ्ट फैब्रिक है कि आपके बच्चे, जो बच्चे जैकेट नहीं भी पहनते हैं ना, वो भी पहनेंगे, इतना सॉफ्ट फैब्रिक था। और ये सबसे ज़्यादा अगर मेरे हस्बैंड को पूरा जो ये इंटायर जो मैंने विंटर कलेक्शन मंगवाया था उसमें सबसे ज़्यादा उनको यही ड्रेस पसंद आया, उनको ये जैकेट बहुत पसंद आई। सारे कपड़े बहुत अच्छे थे पर ये उनको बहुत पसंद आया। तो दोस्तों प्राइस आपको पता चल गया होगा, तो ये ओवरऑल हमारा विंटर कलेक्शन था। तो अगर आपको अच्छा लगा तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में, और एक एक करके मैं आपको तब दिखाऊंगी मेरी बच्ची इसमें कैसी लग रही है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।